कि मैं तुम्हारी क्या लगती हूँ तो क्या जवाब दोगे? मिस्ट्रेस रखेल, बीवी तो कह नहीं सकते ना। आखिर तुम चाहती क्या हो? मैं निशी को तलाक दे दूं? क्या कहूँ उससे? रितु, नीतू, उनसे क्या कहूँ? बेटा, जिंदगी में मौत ही एक सबसे बड़ा सच है, और सुजी ने छोटी उम्र में इस सच को अपना लिया है। देखो, रो के जियो या हंस के जियो, मरना तो है ही ना। मैं ये भी जानती हूँ कि रंजना देवी मुझसे नफरत करती है और वो मेरा यहाँ ऑफिस में आना पसंद नहीं करती। मेरी वजह से तुम्हारा झगड़ा होता है। मैं ये भी जानती हूँ कि ये सब तुम मुझे छुपाते हो, खुद सारे टेंशन पालते हो और हर बात का सीधा मुकाबला करते हो। ये बातें मुझे बहुत पसंद है और मैं तुम्हारी कदर करती हूँ। हाँ, ये सच है कि मैं ऋषभ को ही भूलने के लिए सैनिटोरियम गई थी, मगर वहाँ की शांत वातावरण में सोचने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं सिर्फ प्रहलाद को चाहती हूँ और मैं उसे मेरा जीवन साथी बनाना चाहती हूँ। तो फिर प्रहलाद कैसा क्यों लग रहा है? तो उसे ऋषभ बनाना चाहती हूँ। मैं हाथ देख कर, आपका माथा देख कर बता सकता हूँ कि आपका स्टार साइन लिब्रा है। माय गॉड, यू आर टू मच। और बताइए ना प्लीज। बात क्या है? आज बड़ी उदास सी बैठी हैं आप। लगता है फिर से झगड़ा कर बैठी हैं आप ऋषभ मियां से। मुझे लगता है सुनील मेरी ऋषभ से बनेगी नहीं। क्या हुआ यार? तुम दोनों भी अजीब हो, हमेशा झगड़ा करते रहते हो। अरे भाई, इस तरह से झगड़ा करते रहेंगे तो फिर प्यार कब करेंगे? वही तो, मैं उसे प्यार ही नहीं कर सकूंगी। क्यों क्यों? I think he's a very nice man. Yes, but not for me. Oh dear. चलो पहले मत बुझाओ, साफ साफ बताओ क्या हुआ। You know मेरा, मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकता। तुम कितनी प्यार से बात करते हो, मुझ पर इतना विश्वास भी करते हो, और एक वो है कि अपने आगे किसी और को कुछ समझता ही नहीं। बताओ सही हुआ क्या? ऋषभ पता नहीं क्या क्या तुम पर आरोप लगा रहा था, तुम्हें भला बुरा कह रहा था, और मैं तुम्हारी तारीफ भी कर दूं तो उसे बर्दाश्त नहीं होता। बात को समझो मेधा, मैं सिर्फ तुम्हारा दोस्त हूं और तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो। और फिर कोई मर्द ये नहीं चाहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी गैर मर्द के साथ कोई संबंध रखे, वो बहुत पॉसेसिव होता है। ठीक है? अरे भाई, अगर मैं उसकी जगह होता तो शायद मैं आपका मुंह नोच लेता। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा? कम से कम मैं जिस सुनील को जानती हूँ वो वैसा नहीं करेगा। काश ऋषभ इस वक्त यहाँ होता तो वो देखता कि वो जिसे इतना चिढ़ता है कितना अच्छा है। देखो मेधा, तुमने ऋषभ से मेरे लिए लड़ाई की, तो मुझे इतना मानती हो, ये सोचकर ही मुझे बहुत खुशी होती है। पर मैं तुम्हारा रिश्ता टूटने की वजह नहीं बनना चाहता हूं मेधा। मैं तुम्हें सिर्फ सिर्फ खुश देखना चाहता हूं। लेकिन ऋषभ इस बात को क्यों नहीं मानता कि एक मर्द और औरत में प्यारी दोस्ती भी हो सकती है? अगर सुनील वो भी तो पढ़ा लिखा है। दैट्स राइट मेधा, पर तुम क्यों नहीं ये मानती कि हम लोग भारतीय संस्कृति में पले बढ़े, ये हमारे रग रग में रची बसी है, हम अमेरिकन लाइफस्टाइल को बर्दाश्त नहीं कर सकते। यहां का पुरुष अपनी स्त्री पर पूरा अधिकार चाहता है मेरा, पूरा अधिकार। और फिर मुझे तो ये लगता है कि गलती तुम्हारी भी है। मेरी? जी हाँ, आपकी। आपने कभी ये विश्वास दिलाया ऋषभ को कि आप उसके अलावा किसी और के नहीं हो सकते? बोलो, दिलाया या कहीं? तुम कितने समझदार हो सुनील, कितनी गहराई तक सोचते हो।
देखो देखो मेधा, आप मेरी सबसे अच्छी दोस्त हैं और आप मुझे वचन देंगे कि आप ऋषभ से कभी लड़ाई नहीं करेंगे, कम से कम मेरे लिए तो कत्ता ही नहीं। एक बात याद रखो मेधा, ऋषभ तुम्हारी मंजिल है, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, ठीक है? इस बाबत कोई गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। वर्षों बाद मिली हो इसी से मैं बहुत खुश हूं। हाँ, तुम्हें कभी चाहा था, तुम्हारी कामना की थी और इसीलिए शायद मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। तुम चाहो तो मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए चला जाऊंगा मेरा। तुम ऋषभ के साथ खुश रहो और इसके लिए मेरी या मेरी दोस्ती की बलि चढ़ानी है तो चढ़ाओ पर ऋषभ को मत खोना। चलो प्रॉमिस प्रॉमिस कि तुम ऋषभ के साथ लड़ाई नहीं करोगे। प्रॉमिस। I'm so proud of you. I'm so proud of you. मैं इतनी खुशकिस्मत हूं। I'm so lucky. कहां तक पहुंची तेरी प्रेम कहानी? हाँ, डांटता तो नहीं है? बातें करता है? सुना है उस दिन तूने उसे पकौड़े खिलाए थे? जी, उस दिन आपने उन्हें इतना डांटा क्यों? कितने दुखी थे वो, भर भरा के हमें सब कह डाला। आधी बात तो हमारे समझ में नहीं आई, हाँ, पर हम इतना जान गए कि वो दुखी थे। आपने इन्हें इतना डांटा क्यों? इतना प्यार हो गया क्या? वो भी तुझे पसंद करता है या नहीं? उस दिन हमारी आड़ी टेढ़ी रेखाओं की वो प्रशंसा कर रहे थे। हमारे पकौड़े भी उन्हें बहुत पसंद हैं। बस बस यू ही बात के रख उसे। तू भी सोचती होगी ये बुढ़िया कितनी बेशरम है, बच्चों के बीच में पड़ती है। बेटा, शादीशुदा होते भी मैंने अपने पति का प्यार कभी नहीं देखा। वो टाइम मेरे पति को डस गई थी। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। आपको हमारी सौगंध। तू कहती है बेटा, तुम्हें मान लेती हूँ। तेरी यही बात ने तो मेरा दिल मोह लिया है। मैं तुझे अपनी बहू समझती हूँ, लेकिन ऋषभ को जीत मैं तेरे मां को सिंदूर देखना चाहती हूँ, तुम्हें हंसते खेलने देखना चाहती हूँ। हम आपकी भावना समझते हैं माँ जी। भगवान करे मेरी दुखों की छाया भी तेरे पे ना पड़े। वो औरत तो कुर्सी पकड़ के बैठ गई है, ऋषभ भी उसकी बात मानता है। बेटा, ऋषभ को उसके चुंदर से निकाल, प्लीज कोशिश कर। करेगी ना? आपकी हर बात मैं मानूंगी माँ जी, मगर आप दुखी ना होइए। अपने पति को दूसरों की बाहों में देखकर बहुत तकलीफ होती है बेटा। प्यार के स्पर्श के लिए नस नस तड़पती है। दादी कांट छीनने वाली का गला घोटने को दिल करता है। भगवान करे तेरे साथ ये सब कुछ ना हो। अब चिंता ना करें माँ जी, अब जैसा चाहेंगी वैसा ही हम करेंगे। अब थोड़ी सी भी फिक्र ना करें। फिक्र कैसे ना करूं? सारी जिंदगी रेगिस्तान बन गई है, खुशी का एक झोंका भी नहीं है। और आज भी वो मनुष्य आया इस घर पे मंडरा रहा है, फिक्र कैसे ना करूं? चिंता करने से होनी टलती तो नहीं माँ जी? अरे, इतनी छोटी उम्र में इतनी समझदारी की बात है। जीते रहे बेटा। बेटा, उसको फोन किया कर, ऋषभ को बांध के रख। जो गलतियां मैंने की है ना, तू उसे मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। जी माँ जी, हम उन्हें जरूर फोन करेंगे। आप जैसा कहती है वैसा ही करेंगे, मगर एक बात और। क्या? आप उन्हें डांटिएगा मत। अच्छा, नहीं डांटूंगी।
तुम आ गए? चलो। कहाँ? पार्टी में। खन्नास ने इतने प्यार से बुलाया है, इसीलिए तो जा रहे हैं हम लोग। मैं किसी पार्टी वार्टी पे नहीं जा रहा, मुझे कहीं और जाना है। तुम अपना एटीट्यूड कब बदलोगे सूरज? तुम कैसी बातें कर रही हो, मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा। डोंट प्रिटेंड नाउ, तुम सब समझते हो। अपनी बीवी के रहते हुए किसी दूसरी औरत के साथ गुलछर्रे उड़ाना क्या अच्छी बात है? रेनू, मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ, तुम क्यों नहीं समझते? कैसी स्टूपिड बातें कर रही हो, मैंने तुम्हें क्या नहीं दिया? मन चाहे कपड़े पहनती हो, शॉपिंग करने दुबई भी जाती हो, क्या नहीं देता मैं तुम्हें, बोलो। इन सब चीजों में और पति के प्यार में कोई बराबरी है क्या? मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए सिर्फ। कैसी घिसी पिटी बातें कर रही हो। अगर तुम्हें यही सब करना था तो तुमने शादी क्यों की? जिंदगी भर लड़कियों से फ्लर्ट करते रहते, कोई नहीं रोकता तुम्हें। मैं एक पुरुष हूँ, जो मेरा मन चाहे वही करूँगा। अच्छा, और मैं तुम्हारे नाम की माला जपती रहूँ और तुम्हारे पीछे पीछे भागती रहूँ? हाँ, मैं यही चाहता हूँ। क्योंकि तुम पुरुष हो इसलिए तुम्हें फ्लर्ट करने का हक है। हाँ, और क्योंकि मैं औरत हूँ इसलिए मैं सती सावित्री बन के बैठी रहूँ। ऐसा नहीं होगा, अगर तुम जो करोगे मैं भी वही करूँगी। अच्छा, आईने में शक्ल देखी है अपनी? तुमने देखी है? मर्दों की शक्ल नहीं देखी जाती मैडम। हाँ, औरतों की भी शक्ल नहीं देखी जाती, औरतों का फिगर देखा जाता है। एंड आई नो आई हैव अ परफेक्ट फिगर। परफेक्ट फिगर? बेशर्म कहीं की। गाली मत दो मुझे, अगर तुम मजे करोगे तो मैं भी मजे करूंगी, और देखते रहना तुम। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी क्योंकि तुम मेरी बीवी हो। तुम मेरे कुछ नहीं, तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है मेरे साथ। तुम अगर फ्लर्ट करोगे तो मैं भी फ्लर्ट करूंगी। जाओ जाओ, जाकर स्वितलाना के तलवे चाटो। मैं चाहे जो करूं, तुम एक औरत हो, तुम ये सब नहीं कर सकती। जो तुम करोगे वही मैं करूंगी, मैं भी जाऊंगी। जाकर देखो, टांगे तोड़ दूंगा। अच्छा, तो तुम मारोगे मुझे? हाँ मारूंगा। मार के देखो, मारो तो सही। अब यही कसर रह गई थी, ये भी पूरी कर लो। लीव मी अलोन। मार डालो मुझे, इस चिट्ठी से पीछे नहीं छूटेगा, आजादी मिल जाएगी तुम्हें। गलती मेरी थी ऋषभ, तुम्हारे सामने सुनील की इतनी तारीफ की तो तुम्हें बुरा लगना नेचुरल था। I'm sorry मेधा, मैंने तुम्हें तकलीफ पहुंचाई, लेकिन क्या करता, ऐसी चंद बातें हैं जिसे मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जैसे? जैसे मेधा, मैं ये बात कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मुझे तुम्हें किसी के साथ शेयर करना पड़े, किसी और के साथ बांटना पड़े, मतलब तुम पूरी तरह से मेरी ना हो। ये तुम्हारा वहम है ऋषभ। हो सकता है, और ये वहम सुनील के आने के बाद और बढ़ गया। तुमने मुझ में या मेरे बर्ताव में कुछ देखा? मेधा, बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिन्हें देखने की जरूरत नहीं पड़ती, उन्हें महसूस किया जाता है। सुनील के आने के बाद मुझे ये महसूस हो रहा है कि अब तुम्हारी जिंदगी में मेरी वो पहले जैसी अहमियत नहीं रही। तो क्या मैं ये मतलब लूं कि मुझे और किसी से रिश्ता नहीं रखना है, मुझे कोई आजादी नहीं होगी? अरे आजादी क्यों नहीं होगी, प्यार किसी को बांधता नहीं, आजाद कर देता है, लेकिन खुद के मन का बंधन एक को दूसरे से बांध कर रखता है, ऐसा मैं समझता हूँ। आई माइट बी रॉन्ग, और इसीलिए मैं तुम्हें पूरी तरह पाना चाहता हूँ। आई लव यू ऋषभ। आई लव यू टू मेधा। मेरी जिंदगी में तुम कितनी अहमियत रखती हो ये तुम क्या जानो, तुम्हारे अलावा मेरा अपना और कोई है ही नहीं, न भाई न बहन न दोस्त। मेरा एक डैडी थे जो मुझे छोड़कर चले गए, एक माँ है जो हमेशा नशे में रहती है, उन्हें तो खुद का होश भी नहीं, मुझे एक आया ने पाल पोस कर बड़ा किया। मेरा बचपन से लेकर आज तक मुझे किसी ने प्यार नहीं दिया, मैं तो प्यार का मतलब तक नहीं जानता, लेकिन तुम्हारे आने के बाद मेरी जिंदगी में एक कोमलता, एक भावुकता आई है, जिंदगी को एक नया अर्थ मिल गया है, एक नया मकसद, लेकिन अब यह लग रहा है कि मेरी कुंडली में अकेले रहने लिखा है। ऐसा क्यों कहते हो? मैं हूं ना, तुमने मुझे दुनिया दिखाई है, जब से होश संभाला मैं करियर के पीछे ही भागती रही हूँ। तुमने मुझे बताया कि करियर के परे भी कोई दुनिया होती है, मैं पूरी तरह तुम्हारी हूँ।
शायद मैं ही शक्की हो गया था। मैं ये कभी नहीं जानता था कि एक मर्द और एक औरत के बीच सिर्फ दोस्ती भी हो सकती है। I'm sorry, I'm really sorry मेधा। और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद सुनील को हम दोनों के बीच में नहीं घसीटूंगा, ओके? और ना ही तुम पर कभी शक करूंगा। मैं भी वादा करती हूँ तुम्हें कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मेरे और सुनील के बीच सिर्फ दोस्ती है, सिर्फ दोस्ती, जानता कुछ भी नहीं। जानता हूँ और मानता भी हूँ, और इसलिए तो वादा कर चुका हूँ कि आज के बाद तुम पर बिल्कुल शक नहीं करूंगा, ओके? अब भूल जाओ इन बातों को, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, आई लव यू वेरी मच। महेन मल्होत्रा हियर। हेलो, मैं मिसेस निशी महेन मल्होत्रा बोल रही हूँ। इतनी देर लगा दी तुमने फोन उठाने के लिए? किसी से परमिशन ले रहे थे क्या अपनी बीवी से बात करने के लिए? परमिशन? कैसी परमिशन? निशी, मुझे आज तक तुम्हारी कोई बात समझ में आई नहीं। वैसे एक बात है, फोन की घंटी बजने के साथ साथ फोन करने वाले की तस्वीर सामने नजर नहीं आती। खैर बताओ, तुमने किस लिए फोन किया? मुझे कुछ पैसे चाहिए महेन। पैसा? अरे कल ही तो 50,000 रुपया तुम्हारे अकाउंट में डलवाया। फजूल खर्चा मत किया करो, जरा संभाल के खर्चा किया करो। यहाँ पैसे की कोई टकसाल नहीं लगी हुई। अच्छा, पैसा मुझे नहीं तुम्हारी बेटियों को चाहिए महेन। बेटियों को किस लिए चाहिए? जरा पूछना अपनी लाडलियों से। क्यों पूछू? मेरी लाडलियां फिजूल खर्ची नहीं करती। तो क्या दान धर्म करती फिरती हैं? एक्चुअली कुछ ऐसा ही समझ लो, नीतू की वो सहेली है ना सूजी, उसे ब्लड कैंसर हो गया है और नीतू उसे अमेरिका ले जाकर उसका इलाज करवाना चाहती है, और रितु को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया है, टर्म की फीस भरनी है और कुछ डिपॉजिट भी भरना है, और इसे फिजूल खर्ची नहीं कहते मिस्टर महेन मल्होत्रा। नीतू से कहो ब्लड कैंसर का कोई इलाज नहीं है, और जब सूजी इलाज के लिए जाएगी ना तो उसके साथ दो लोग और जाएंगे, उनका खर्चा भी उठाना पड़ेगा, इतने पैसे नहीं है मेरे पास। अच्छा, और रितु से क्या कहूं? निशी, बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? पैसा सब इधर उधर फंसा हुआ है और फिर दो दो घर चलाने पड़ते हैं। अच्छा महेन, किसने कहा था तुमसे दो दो घर बसाने के लिए? तुम तो अच्छी खासी गृहस्थी, बीवी और बच्चों को छोड़ के चले गए। लानत है तुम जैसे बाप पर। जरा खुद को टटोलो मैडम, तुमने आज तक मेरे घर को कुछ दिया है? कुछ खुशी दी है कभी? अरे तुम्हें तुम्हारे सैर सपाटे से कभी वक्त मिला हो तब ना। ये तो बड़ी अच्छी किस्मत है हमारी कि लड़कियां खराब नहीं हुई। ठीक है, मानती हूँ शुरू शुरू में मुझसे कुछ गलतियां हो गई थी, लेकिन बाद में तो मैं तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हारे तरीके से जी रही थी। हम तो बाहर जाने का प्लान भी बनाया था, वहां पे भी तुम पूरी तरह से मेरे नहीं हो सके। कहो, मैं कुछ गलत कह रही हूँ क्या? हा 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 हा, खेत चुग जाने के बाद रखवाली करने का क्या फायदा? खैर छोड़ो, तुम ये बातें बिल्कुल नहीं समझोगी। बात को टालने का अच्छा तरीका है महेन। ठीक है, ऐसा ही सही। मैं लड़कियों को क्या जवाब दूं? निशी सच सच बताओ, लड़कियों को पैसे की जरूरत है या तुम मुझे परेशान करना चाह रही हो? महेन, तुम मुझ पर शक कर रहे हो? क्यों ना करूं? नीतू को हमेशा मैंने हंसते खेलते ही देखा है, वो कभी ऐसी संजीदा बातें सोच नहीं सकती। और जहां तक रितु का सवाल है, उससे कहो कि वो स्कॉलरशिप ले ले, उन्हें असलियत बता ही दो। उन्हें क्या बताऊं कि उनके चाचा के मरने के बाद उनके पापा कंगाल हो गए, या शीला रॉय के चक्कर में वो अपनी बीवी और बच्चों को भूल चुके हैं? बोलो, क्या बताऊं? जो तुम्हारे दिल में आए कह दो, मुझे परेशान मत करो, मैं फोन रख रहा हूं। मर्द होते ही ऐसे। छोटा सा